अब बताया जा रहा है। परमात्मा का ये स्वभाव उत्तर, गयन अनंत विवेक ओड़ो, गयन अनंत विवेक ओड़ो, देह उपय अनुविहाय, देह उपय अनुविहाय, मुख जसु पै बिंबियउ, जिस प्रकार अनंत गगन में एक छोटा सा तारक दिखता है, उसी प्रकार यह लोक दिखता है, यानी अलोक आकाश में ये भवन तीन लोक कैसा दिखता है, भुवनकार यहाँ तीन लोग से तीन भुवन में सारे होते हैं ना, तो इस अनंत आकाश द्रव्य में अलोक आकाश में लोक कैसा दिखता है, एक छोटा सा तारक की भांति दिखता है। उसी प्रकार ये जो मुक्त है और परमात्मा को प्राप्त किए हैं, वह एक प्रकार से छोटा सा जैसा लगता है, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश सारा का सारा जिसने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया अथवा परमात्म पद में, वह छोटा सा लगता है क्योंकि अनादिकाल से इसकी बात है। हमारी धारणा अलग थी। देखो क्या गगने अनंते अपि एक नक्षत्रम यथा तथा भुवनम जगत प्रतिवादी, गगने अनंते अपि एक नक्षत्रम यथा तथा भुवनम जगत प्रतिवादी, अनंत जो गगन है उसमें एक नक्षत्र के भांति यह भुवन जगत प्रतिपादित हो जाता है। वह प्रतिपादी कहां पर प्रतिपादित हो जाए, मुक्त से यस्य पदे, जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया अथवा जो मुक्ति पद को प्राप्त कर चुके हैं उनमें ये भुवन एक नक्षत्र की भांति प्रतिभाषित हो जाता, जैसे अलोक आकाश में लोक प्रतिभाषित हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव के पर में यह भुवन भी एक नक्षत्र की भांति। केवल ज्ञान बिंबितम प्रतिफलितम दर्पणे बिंबम, दर्पण में जिस प्रकार बिंब प्रतिफलित होता उस प्रकार सएवं भूत परमात्मा भवति, ऐसा इसको परमात्मा बोलते हैं। यत्र अत्र यस्यैव केवल ज्ञाने नक्षत्रमेव लोकः प्रतिभाति, जिसके केवल ज्ञान में यह लोक नक्षत्र के समान प्रतिभाषित होता है, सैव रागादि समस्त विकल्प रहितानाम उपाधियो भवति, वही एकमात्र परमात्मा हम लोगों के लिए उपाधि है, जो राग द्वेष मोह से अतीत होने के उपरांत वो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है, उसकी प्राप्ति अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं है, कुछ मौलिक द्रव्यों की प्राप्ति के लिए हमें कुछ देने पड़ते हैं, कुछ खरीदने पड़ते हैं, लेकिन शुद्धात्म द्रव्य के ज्ञान के लिए हमें कुछ भी देना नहीं लेना है, कि केवल राग द्वेष मोह से रहित होकर के अपने को देखना है। अपनी चीज अपनी वस्तु हम राग के कारण अलग रूप में देख रहे हैं, और ये कहावत है कि भैया चश्मा थोड़े से उतार करके देख लो, ये कहने का अर्थ क्या, जिस दृष्टि से तुम देख रहे हो उस दृष्टि से ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा चश्मा उतार करके देखो, मतलब दृष्टि में चेंजिंग परिवर्तन लाओ और वस्तु को देखो, वस्तु तो वस्तु है, वह जैसी थी वैसी है, लेकिन उस चश्मा के कांच के कारण कुछ अलग रूप से प्रतिभाषित हो रही थी। कभी कभी विश्व हमारे लिए अच्छा लगता है और कभी कभी ऐसा बुरा लगता है कि हम कहां चले गए, जाना नहीं है, कुछ जानना है,
तो अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई वो करता है, कोई ये करता है, करते रहेंगे निश्चित बात है। और अपने आप में ही थोड़े से विकल्पों को तोड़ मरोड़ कर लेता है तो निश्चित रूप से वह उसमें कुछ भी नहीं ठीक। अनुभव जैसा जैसा बढ़ता बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वह व्यक्ति भी सोचता है कि भैया ये तो उछल कूद बचपन की बात है, वो करूंगा मैं, ये करूंगा मैं, ये करूंगा, फिर बात के उपरांत मैं कहता है करना धरना नहीं, मैं तो रहूंगा ऐसा रहूंगा कि कहीं कोई भी ना देखे। बाहर से भीतर देखो तो कुछ नहीं दिखता और भीतर से बाहर देखो तो कुछ दिखता, कुछ ऐसे भी खिड़कियां हो जाती जो बाहर को देखो तो भी नहीं दिखता और बाहर को भीतर देखो तो भी नहीं दिखता। हाँ प्रकाश आता, प्रकाश तो कहीं छूटता नहीं, प्रकाश जो है ना बहुत। इसी प्रकार हम लोगों की दृष्टि में पर द्रव्य न आए, यदि आ भी जाए लेकिन उसका कोई भी विकार हमारी दृष्टि में न आए, यानी हमारा एक उपयोग निर्विकार का अनुभव कर ले, निश्चित रूप से हमें कोई संदेह नहीं, सब कुछ यथावत है, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल अपने भीतरी अंतर को ही टटोलना है, काश थोड़ा साफ कर लो द्रव्य जो का जो है और उस काश के ऊपर झूलने लगे बस इतना ही। ऐसा ना हो कि वस्तु को साफ मत करो किंतु अपने काश को साफ करो। वस्तु को हम इसलिए साफ नहीं कर सकते, वस्तु तो अपने परिणमन निश्चित है, कि हम अगर दृष्टि को साफ कर सकते हैं और साफ नहीं करने का परिणाम यह है कि हमें वह कभी काली कभी गोरी कभी वो कभी ये देखने में आ रही है, चश्मा उतार करके देखेंगे तो वह जैसी है वैसी। सफेद वस्तु भी यदि हम हरे कांच वाला चश्मा लगा लें तो हरी लगती है और यदि मान लीजिए पीले लगा दे तो पीली लगती है और काला चश्मा लगाए तो वो काली वस्तु लगती है, लेकिन वस्तु वस्तु रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है क्या देखना चाहते हो, या विश्व ही उस ज्ञान में यूं गोरी पदार्थ प्रतिक्रमण में अपने पास आ जाता है, कोई स्थिति में आ जाता है, त्रैलोक गोरी पदार्थ ये आज हमारा अंतर्गत है कि वह केवल ज्ञान जहां पर प्रमेय मैंने ज्ञान ये कद समुद्र है आर्णव है वह सारा का सारा केवल ज्ञान के सामने आकर के गोष पदा है थे, यानी बहुत सारा पानी था लेकिन जब उनमें से जो निकला तो उसके लिए कितना पानी लगा, वो एक खुरा होता है खुरा गाय गाय भैंस जो होते हैं ना, तो गोष पद मैंने गाय के पैर भी जिसमें नहीं डूबे उतना पानी रह गया, मतलब गाय भी जा रही है वो पानी कितना था हिस्सा था, कहने का मतलब ये कि इतना सारा का सारा समुद्र भी गाय का जो रवीन है डूबे इतना हो जाता, कहने का मतलब ज्ञान की महिमा कितनी है, वो सारा का सारा ज्ञान ये वो यू चूस लेता है थोड़ा सा रह जाता है। चुल्लू भर जिसको बोलते हैं रह जाता है, इसको बोलते हैं गोष्ट पदार्थ, मतलब नहीं के बराबर रह जाता है, पूरा का पूरा ज्ञान का विषय हो करके ज्ञान इतना और बड़ा हो जाता है, जैसे गाय से जो है गाय तो बहुत लंबी जोड़ी है और उसका पूरा इतने वो भी नहीं डूब पाया इतना पानी रह। योगेंद्र वृंदे यो निरवधि ज्ञानमयो निर्विकल्प समाधि काले दे रूप चिंतते तम परमात्मा नमः। बड़े बड़े योगियों में भी योगी उन वृंदों के द्वारा जो अवधि से रहित ज्ञान यानी सीमातीत जो ज्ञानमय है निर्विकल्प समाधि के समय पर धेय रूप
के रूप में सामने आ जाता। वह परमानंदता तो अवधि में सीमातीत है, वह किसके विषय बन जाते हैं? केवल योगियों के ध्यान के काल में वह कार्य होता। इन आंखों के द्वारा परमात्मा तत्व दिखता नहीं, किंतु वह योगी जब योग लीन हो जाता है उस समय वह योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदैव देवो हृदये ममात्मा निषूदते यो भव दुख जालम निरीक्षते यो जगदंतरालम योंतर्गतो योगि निरीक्षणीय सदैव देवो हृदये। क्या कहा जाए, वेद पुराण ग्रंथ सभी के विषय भोजी है। योगी जब आंख बंद करके भीतर देखते हैं तो योगी गम्य हो जाता परमात्मा। तो हम बाहर देखें, योगी लोग भीतर देखते हैं, परमात्मा को साक्षात देखते रहते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता रहता है। वहीं पर उसी लोक में उसी क्षेत्र में बैठे हुए अज्ञानी मूड तो बिल्कुल ज्ञान का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, वहीं पर ज्ञानी बैठ करके अनंत का अनुभव करते रहते हैं, आनंद का अनुभव करते रहते हैं। केवल दृष्टि भेद ही है, इसलिए सभी प्रकार के विकल्प को छोड़ करके कि जो कमर कस लेता है वही इसमें पार हो सकता है, और बाकी आगे बाद में देख लेंगे कहेंगे तो देख लेंगे, तो बस वह भविष्य है और उसमें कोई क्रिया होती नहीं, क्रिया होगी तो वर्तमान में होगी, देख लेंगे। हाँ ठीक है, भविष्य है, क्या पता वर्तमान में जो देखेगा वही तो भविष्य में दिखने में आएगा, आज जो दिखेगा वही कल देखने में आएगा, जो साधन आज है वही कल साधन मिलेंगे, आज से भी घटियां मिलेंगे। कई लोग सोचते थे हम बाद में हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भोजन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वार्धक्ये केवलम श्रम, वृद्धावस्था में तो केवल श्रम के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। दिनास्त होते समय तो कि उसको यही लगे रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, कहते करते करते दिनास्त हो जाता है। जो पहले से करता है वो कुछ कर पाता है, फिर दिन अस्त समय पर तो इधर उधर के सामान इधर उधर रखने में ही उसका समय निकल जाता है। जब तक माथे के ऊपर सूर्य नहीं चढ़ता तब तक किसान लोग जो हैं जल्दी जल्दी अपने काम निकालते हैं। भैया देखो ढल गया सूर्य, ढल गया मतलब आप भोजन पीजन करने में मत बैठो, फिर बाद में तो कर नहीं सकोगे, एक आध थोड़ा सा और काम कर लो। इस प्रकार ये है योगींद्र देव, इस प्रकार सीमातीत ज्ञान को अपना विषय बना लेते हैं निर्विकल समाधि के काल में। तो अनादि अनादि प्रतिबिंबितम जैसे पदे दोनों बोन के लिए भी आ जाता है, वह परमात्मा अनादि है ही, भीतर देखो तो अनादि है, शक्ति के पीछे, शक्ति के पीछे से अनंत तो है, अनादिकल तो है, तो देखने की बात है, विकल्प छोड़ करके देखो है ही भीतर, शक्ति के पीछे जब है ही तो भूलो क्यों, शक्ति के रूप के पीछे। हाँ तो ऐसे भी कर लो, इधर जिसको जो पर्याय के अपेक्षा से मुक्त हो चुका है उसके ज्ञान में अनादिकाल से तो है, अनादिकाल का क्या बात है, कोई बात है, वह जगत तो भवन तो अनादिकाल का है ही है। ध्यान के समय पर ध्यान का लक्षण है, जिस समय ध्यान लगता है उसी समय निर्विकल समाधि रहती है। ऐसा कहने में आता है निर्विकल्प समाधि का अर्थ यही है, शुक्ल ध्यान में तो रहता ही है। हाँ आर ध्यान रौद्र ध्यान से रहित कहो, आप कहो समाधि निर्विकल्प समाधि, विकल्प एकदम समाप्त हो जाए तो केवल ज्ञान निर्विकल्प समाप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञान से पहले विकल्प समाप्त हो ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन
पर्टिकुलर एक पदार्थ के ऊपर उपयोग को रख लिया जाता है, ऐसा पीछे से ध्यान, लेकिन राग द्वेष विषय का शास्त्र रहित होता है। विकल्पों को ज्ञान के उपयोग को इधर उधर हुआ डावाडोल नहीं करता, इसलिए उसको ध्यान कहा जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। यही है कि उसको जैसे आर ध्यान रौद्र ध्यान वगैरह होते हैं उस प्रकार में नहीं होता, एकाग्रता तो दोनों में रहती है। नहीं, उसको समाधि नहीं कहा यहां पर, जिसने अपने जीवन को निर्विकल बनाने के लिए राग विष मोह से मुक्त कराया, पहले वीतराग स्वसमिंद्र ज्ञान रूप जो निर्विकल समाधि कहा, बार बार ये कर करके आए हैं, इसकी व्याख्या भी हो चुकी दो तीन बार, कि निर्विकल्प समाधि के साथ वीतराग स्वसमिंद्र ही जुड़ा है, वीतराग का होना अनिवार्य है। अपनी भूमिका के अनुसार वह वीतरागता की ओर बढ़ सकता है, और उसमें जो स्थिरता या दृढ़ता जैसी है उसको आप औपचारिक भले ही करते चले जाओ, लेकिन जो वह राग द्वेष मोह से मुक्त होना अनिवार्य है, तभी उसके लिए निर्विकल समाधि की प्राप्ति होती है। नहीं, वो तो अप्रमत्त दशा में तो है ही, पहले कह करके आए। जो व्यक्ति पर कोई देखने में लगा, पांच इंद्र के बीच जब तक व्यापार चलता रहेगा तब तक तो निर्विकल समाधि तो है ही नहीं। पांच इंद्रियों का व्यापार केवल जड़ को दिखा सकता है। अब जगाने बिगड़ने से तो कहने से फिर तो मिथ्या दृष्टि में भी हम कुछ घटा दें, वो तो कहीं यहां पर है ही। जब मैं कह रहा हूं ना, विग्रह गति में भी हम कर लेते हैं, विग्रह गति में भी सम्यक दर्शन है, कर लो वहां पर करते ही। एकाग्रता रूप और राग द्वेषातीत जो अवस्था है उस अपेक्षा से कही जा, तो यहां पर अप्रमत्त दशा के अलावा कहीं भी नहीं रुकता, क्योंकि इंद्रिय का व्यापार यह बता रहा है कि बाहर की ओर आपकी दृष्टि है, बाहर कहीं परमात्मा पद या स्वात्मानुभूति होती नहीं। तो उस समय के लिए कह रहा हूं, तो मन का व्यापार भी रुकना चाहिए, वचन का व्यापार भी रुकना चाहिए, और काय का व्यापार भी रुकना चाहिए। हाँ, नियम ले लिया लगता है ऊपर, लेकिन बहुत कुछ आवश्यक होता है और भी। औपचारिक इसलिए धर्म ज्ञान के बारे में आचार्यों के बहुत सारे मत मतांतर है, और तत्पर सूत्र में तो धर्म ज्ञान के स्वामी का उल्लेख ही नहीं किया, बल्कि यदि उल्लेख होता तो पंचम गुण स्थान तक तो उन्होंने आर ध्यान रौद्र ध्यान छठे गुण स्थान तक आर ध्यान बता ही दिया, निदान इसके उपरांत आर ध्यान का उन्होंने छठे गुण स्थान तक उल्लेख किया। धर्म ध्यान का उल्लेख करने के लिए गए तो वहां पर शुक्ल ध्यान का पहले उल्लेख किया, तो इससे स्पष्ट हो जाता शुक्ल ध्यान के लिए उन्होंने मान लीजिए सप्तम गुण स्थान से तो उन्होंने किया ही नहीं, प्रमत और अप्रमत इसके उपरांत ही टीका के अनुसार ले लेते हैं, तो अष्टम गुण स्थान से चलो होता, अन्यथा मोह के अभाव में गठित होगा। शुक्ल ध्यान के लिए उन्होंने जो पाए बना दिया वो यही है, जब तक निदान या आर ध्यान चल रहा है तब तक तो उनको उन्होंने धर्म ध्यान को माना ही नहीं उस सूत्र में, तो बाद में टीकाओं में कह दो बल्कि भले धर्म ध्यान तो जुदा मुख्य उपचार भेदा, ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं। श्रद्धा मात्र कोई ले लेते हैं तो ले लो, कोई बात नहीं, वह तो श्रद्धा ध्यान की जहां का भी भंग बनाए गए हैं तो वहां पर यही कहा चतुर्गुण स्थान हुआ तो 66 सागर आवारस वर्ष तक ले लो, किया ही श्रद्धा कोई ध्यान करो, उसे ये ध्यान है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र होते हैं, चेत होते हैं, पांच शिक्षिका होते हैं आदि आदि, वही शरीर से भिन्न हुए प्रकार का। इसीलिए अध्यात्म ग्रंथों में धारणा को भी विष्कुंभ कहा है, आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही हो जाता है। समय सार में और अध्यात्म ग्रंथों में और रघुनाथ इत्यादि में यही तो अंतर है, प्रतिक्रमण विष्कुंभ है न, धारणा विष्कुंभ है, निर्वृत्ति विष्कुंभ है, विसरणम विष्कुंभ है, और विशुद्धि विष्कुंभ है, ये आठ जितने भी विष्कुंभ है, और अमय कुंभ जो है इसका अभाव। अधारणा अपरिगमनम अपरिगमनम अपरिचरणम अधारणा नियत्य अनित्य निंदा अनिंदा अगरुहा आदि आदि है अमय कुंभ।
अब जब ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब इन ग्रंथों में प्रतिकरण को भी विष कुंभ कहा है तो अमृत कुंभ क्या होगा। देखो जब इसमें समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र के प्राप्त करने को ही विष कुंभ कहा तो ऐसा अमृत कुंभ क्या हुआ ये देख लो। समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र को प्राप्त करने का जो भाव है वो अभी विष कुंभ है, क्योंकि ग्रहण और त्याग जो कोई भाव है वह अध्यात्म शास्त्र में विष में आ जाते हैं। कह रहे हो ना उसके बाद तो करेंगे तो चतुर्गुण संस लेख रहे हैं, लेकिन यह ज्ञानारण कारण के अनुसार चलेंगे तो वहां पर उन्होंने लिखा कि यह जो मैं ध्यान करना ध्यान की बात कर रहा हूं, यह ध्यान करने की बात एक योगियों में भी विशिष्ट योगी होते हैं उन्हीं के लिए पल्ले पड़ेगी है। हाँ, और गृहस्थाश्रम में तो इसका नाम भी नहीं आ सकेगा। लिखा उन्होंने ध्यान धारणा के बारे में कि मैं इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार हो सकता हूं, वो अगर पे ऐसा कर रहा है तो विदार दुर्बुद्धि सिरसा मही धर्म, जो पंचेन्द्र के विषयों को त्यागे बिना और आत्मज्ञान के प्रयास पुरुषार्थ में लगा हुआ वह व्यक्ति अपने माथा के बल पर पहाड़ को फोड़ना जा रहा है। एक उदाहरण है, इससे संतुष्ट नहीं होंगे उनको, दूसरे एक कार्य का आवर दे देते हैं। एक व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, कौन गृहस्थ होकर के तो क्या कर रहा है, वंजा की सुत वंजा का पुत्र और उसकी शादी करना है, उसकी शादी के लिए शहरा बनाना है और शहरा बनाने के लिए आकाश के फूल लगाना है और उनको तोड़ करके बना रहा है। वहां पर बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, मैं मान सकता हूँ गधे के सिर में सिंह आ सकते हैं, पूर्व का सूर्य पश्चिम के हुआ आ सकता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं मान सकता हूं कि गृहस्थों को मैं जो ध्यान कर रहा हूं को पता हो जा। मंडूक शिखर ये इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति और छह प्रत्यय उन्होंने बताए हैं, षट भी ही योग प्रसिद्ध थे। आस्था चाहिए इतना ही नहीं, रुचि चाहिए इतना ही नहीं, उत्साह चाहिए इतना ही नहीं, प्रत्यय चाहिए इतना ही नहीं, साहस चाहिए इतना ही नहीं, जनपद का त्याग चाहिए, तब षटवीर योग प्रसिद्ध थे। अब जनपद में चौपाट पर जाकर के ढिंडोरा पीट रहे हैं, ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान के शिविर लग रहे हैं, आइए ध्यान का आनंद लीजिए, बुकिंग कर लीजिए नहीं तो पश्चाताप करोगे, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है ये सब कहते चढ़वी कि जनपद का त्याग पहले अनिवार्य, वही वृत्ति होने में यही एकमात्र कारण है। कोई भी व्यक्ति आकर मान लो वहां पर दूर आकर के बैठ गया, आपको ज्ञात हो गया कोई व्यक्ति आकर होना ही, अब वो पूछ नहीं रहा है, कोई बात आ नहीं रहा है और अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, होना ही है? फिर इसके उपरांत फिर खांसी चालू हो जाएगी, या तो उन्हीं की तरफ से हो जाएगी या इस तरफ से खांसी चालू हो जाएगी, किसी भी प्रकार से वह आ जाए। अर्थात मतलब हम पढ़ने में लीन नहीं है, ऐसा न समझिए कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं मैं तो बैठ गया हूँ आपके साथ वार्ता करना ही चाहता हूँ, कहने का अर्थ यही हो गया। धीरे धीरे वो आ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, चालू हो जाता, ज्ञानारण करने बहुत अच्छा खींचा। जब किंचित भी चिंतन तो वहां पर उन्होंने लिखा यद किंचित भी चिंतये तदेव ध्यान मामना था, वीतरागो भवेत योगी, योगी पहले वीतरागो, यद किंचित भी चिंतये तदेव ध्यान मामना था मतो न्यत ग्रंथ विस्तर। ध्यान का अर्थ पालती मान करके बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ शिविर नहीं लगाना है, ध्यान का अर्थ और कोई धारणा फिरना से कोई मतलब नहीं। आज तो अंडरग्राउंड में बैठ करके छह महीने तक जो और साधना भी करने वाले हैं, कोई ध्यान थोड़े ही है, ये तो ध्यान के कोई एक कारण बन सकते हैं। पहले शर्त रखा वीतरागो भवेति योगी, द्रव्य संग्रह में भी एक गाथा आती है वह प्राकृत में है और ये संस्कृत में है ज्ञानारण कारण है, वीतरागो भवेति योगी, योगी पहले हो लेकिन वीतराग हो, यद किंचित भी चिंतित फिर कुछ भी चिंतन कर लीजिए,
सदैव ध्यान मामना, तो उसी का नाम ध्यान कहा गया। और जो कुछ भी ध्यान के बारे में मिलता हुआ ध्यान के ग्रंथ का विस्तार मात्र है। स्वासित है वो समाधि अलग है, वो समाधि अलग ठीक है, वो समाधि अलग है, ये समाधि अलग। वो है शारीरिक के अपेक्षा से उसके भीतरी परिणाम के वायावृत्ति की अपेक्षा से कही गई है। ये जो समाधि कही है ये स्थान की एक परिभाषा जिसको बोल सकते हैं कहने के लिए, वो है निर्विकल्पता। विकल्प से रहित होने पर जो उपयोगी स्थिति आती है वह उसके लिए फिर वासवना ने चार भेद किए, पिंडस्थ है नहीं रूप पदस्थ है, पिंडस्थ है रूपस्थ है रूपातीत, और पदस्थ के लिए कितने कितने प्रकार उन्होंने खोले। दस प्रकार के धर्म ज्ञान हैं ये, एक तो संक्षेप धर्म ज्ञान मान लो, फिर इसके उपरांत विशेष बताते हुए बना लो, क्योंकि ध्यान के अपेक्षा से निश्चित रूप से मत है आचार्यों में, वो यही है। कोई श्रेणी में भी ध्यान धर्म ज्ञान मानता है, कोई श्रेणी में शुक्ल ध्यान भी मानता है। यहाँ धर्म ज्ञान का फल किसी को मुंह का क्षय इष्ट है और किसी को जो है श्रेणी इष्ट, ये सब बातें द्वैविध जिसको बोलते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि समय सारे ग्रंथों में भी वीतराग धर्मज्ञान और सराग धर्मज्ञान के भेद से दो विभाजन करने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ी। अंतुगत्वा यही कहना चाहेंगे हम कि ध्यान करने वाला व्यक्ति इन छह बातों की ओर दृष्टिपात अवश्य करे। शर्त पहले वीतरागी होना चाहिए, इंद्रियों की वशता जिसको बोलते हैं, कंट्रोल दम जिसको बोलते हैं, वह होना अनिवार्य है। परिग्रह दृष्टुष मात्र नहीं होना चाहिए, और इसके उपरांत अपनी प्रवृत्तियों को केंद्रित करने के लिए अन्य संसर्ग से बाहर रहित रहे, मौन जहां तक बन सके वहां तक मौन रहे आदि आदि इतने उसके प्रत्यय खोले उन्होंने। तब कहीं जा करके जैसे मान लो कोई परीक्षा दे देना चाहता है, उसके लिए कैसा आवश्यक होता है, दूर 2 मील दूर पर जो स्कूल बने वहां पर देता है, स्पीकर का आवाज भी वहां पर न आए ये भी कर देते हैं, कोई वहां पर इधर उधर बात भी करने वाला नहीं होता है, और आगे पीछे भी सब शांत वातावरण जाता, उस समय पेपर लिख सकता। उसी प्रकार ध्यान के लिए प्राथमिक दिशा में बात कही गई है। मूल शर्त ये है वहां पर भी ध्यान आपका लग सकता है यदि आपने अध्ययन अच्छा किया है, यदि आपके कोई परिग्रह के प्रति लोभ लालसा नहीं है, ठीक है। जो कोई आवाज सुनने में भी आ जाए तो उसको अच्छा बुरा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वह कर्मेंद्र का विषय है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति गीत सुनना चाहता है और सुनाना चाहता है, वह उस व्यक्ति के लिए गीत सुनते समय या दूसरा कोई सुनाते समय ऐसा संभव नहीं हो सके, क्योंकि उसी में उसको आनंद आता है। वह व्यक्ति 3 काल में ध्यान नहीं लगा सकता। हाँ, ध्यान वह उस गीत में लगा सकता है, यह अवश्य निश्चित बात है। ध्यान तो वहां पर भी लगा सकता है, लेकिन वह गीत में ध्यान लगेगा। तो वीतरागो भवेति योगी, यह सर तो टूट गया। ध्यान तो लग जाता है निश्चित, तो बताया है काव्य लेखन में भी इतना ध्यान लगता है कि क्या बताएं। ये स्वयं आकर के दूसरे अध्याय में कहेंगे राजवार्तिक काल, लेकिन वह अनर्थदंड में आ जाएगा। वीतरागो उद्देश्य क्या है आपका, उस मन लगाने का उद्देश्य क्या है, नहीं तो यूं ध्यान लग जाएगा अंडरग्राउंड में बैठ करके साइंसिस्ट जो है छूट करने के कहां हूं उनके पास रहा, मैं खाना पीना पीना सब कुछ भूल गए ऐसा। उद्देश्य आपका क्या है, बस ठीक है इतना तो ठीक, उसमें मन लगाने की आपने, लेकिन सामायिक वगैरह छोड़ करके कर लो ये गलत। उद्देश्य क्या है ये किसी के ऊपर है आधारित अंतों पर, उसमें कोई हमारे बाधा नहीं। समता हो बस ओके बोला, तो वो भी वीतराग तो है, ये शर्त अपने आप में जम किंच विचिंतन तो निरीवृत्ति, यहां पर वीतराग नहीं कहते निरीवृत्ति हो। हाँ, तो फिर जितने अंश में बन जाता है राग से कम हो जाता है, उतने अंश में उसको भी एकाग्रता हो जाती है, बिना एकाग्रता तो काम नहीं हो सकता।
कुछ भी नहीं करता थे ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आरंभ और परिग्रह से लगा हुआ व्यक्ति ये काम करना चाहता है तो वह नहीं बनेगा। और उसके बन भी जाता है उस एकाग्रता से गुणस्थान चेंज तो होने वाला नहीं, अब पहले ही कह देते हैं गुणस्थान चेंज के लिए संकल्प पहले अनिवार्य है। ये कहा ही है रतिमित्र आचार्य ने, तो याद यदि भाव ठीक है, यदि कह दो ना मुनि कह दो महावृता है प्रकल्प प्रकल्प क्यों महावृति कह दो ना, नहीं प्रत्याज्ञान समुवा। अरे हम तो प्रत्याज्ञान भी जब है तब तो प्रत्याज्ञान अणुत्वाद नहीं मणत्वाद करेंगे सुनो क्यों, अब प्रत्याज्ञान भी जब है तो अविरति हो गया कि क्यों है, जब श्रावकाचार्य की रचना की जा रही है तो वहां पर महावृत का क्यों कहा है, पहले महावृत तो आदर्श तो महावृत है, फिर इसके उपरांत महावृति कब होता है अनुवृत्ति इस समय पर होता है, क्यों होता है तो बाहरी पाप के अनुपाप का भी त्याग होता है, स्थूल पाप का भी त्याग हो गया, इसलिए वह उस अपेक्षा से महावृति माना जाएगा। लेकिन यहां पर तो नहीं, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्षण का उदय चलते रहते, सर्वघाती स्पर्धक माने जाते हैं, इनमें श्रोते हैं कर नहीं सकते। हाँ निश्चित है कि उसमें ढिलाई तो आ जाती है, कमी तो आ जाती है, जो गाढ़ापन है वो गाढ़ापन तो दूर हो जाता है, लेकिन उसी में वह बहने लग जाए संभव नहीं। कथनचित ये कर सकते हैं, कथनचित कुछ ही सूत्र में आया भी है, सोलहकार भावनाओं में सल्यक न लेकर के उन्होंने समाधि मनन किया, और एक तेरहवा दो व्रत है सल्यक न पश्चिम सल्यक न मरण जीवित मरणाशंसा मित्रान राम सुखान बंद निदानान, ये पांच उसी के दोष है जोशिता। हाँ सल्यकना है वही, यहां पर सल्यकना है उसी सूत्र ग्रंथ में छठे अध्याय में अंतिम सूत्र में ये समाधि मरण भी लिया, साधु समाधि मरण वैयावृत्ति करण भी दिया और समाधि मरण दोनों के साथ एक करण शब्द जोड़ दो तो और अच्छा है। तो प्रासंगिक है, प्रासंगिक उसमें तो छांटने तो बहुत सारे हो जाएंगे, संलेखना के लिए चाहे साधु हो चाहे अनुवृत्ति हो सबके लिए संलेखना अनिवार्य, बारह व्रत में तो ही नहीं है तेरहवा व्रत है, चाहे बीए वाले परीक्षा में बैठे चाहे प्राइमरी वाले बैठे परीक्षा तो एक ही कॉमन है, अपने अपने व्रतों के अनुसार परीक्षा कर दो नहीं कहने इसमें कोई गड़बड़ी है, वो कॉमन है परीक्षा के जो पांच दिन है वो हफ्ता वो परीक्षा तो सबकी परीक्षा है, उस परीक्षा में तो है, अब परीक्षा तो है ना जो जिस कक्षा में है उसके अंतर परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा उसको भी इतना ही बचना था महाराज, बीए वालों को बचना था ऐसा नहीं है, जो आज पढ़ने के लिए गया एक साल हो गए मान लो उसके लिए तत्योग जो प्रश्न आएंगे उसके लिए भी तो इतना ही बचना आएगा, कि तुम समझो कि हमारे बहुत कठिन विषय, क्या कठिन विषय हमारे लिए तो परिचय हो गया, हमारे लिए ज्यादा कठिन है क्योंकि आपने बहुत बार परीक्षा दे दी, हम तो आज इसी साल आए, ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने परीक्षा होती हैं, योग्यता के अनुसार उसी के अनुसार सल्लेखना चाहे मुनि की हो चाहे वो छुल्ला कैलक जी की हो चाहे वो अनुवृत्ति की हो चाहे महावृत्ति की हो चाहे दूसरी प्रतिमा वाले को हो ग्यारहवीं प्रतिमा वाले को, सल्लेखना तो सल्लेखना है, इसलिए संलेखना के समय पर जो है महावृत्ति ही एक प्रकार से विकल्प कर दे ही देते हैं। हाँ करने में कोई बाधा नहीं, जब एक ही भाव के हाँ एक ही भाव के ऊपर उसके संकल्प की बात है हाँ उसको कोई बाधा, ये तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे यहीं पर कहा जा रहा है कि बारह व्रत लेकर के जो स्वर्ग चला जाता तो वहां से कहते थे निर्जन उपाय मुनि वहीं से जाए ठहरे पालन किए, जब वृत्ति बन गया
ऐसा मत समझो कि महाराज तो बहुत आगे है और हम बहुत छोटे हैं और ये ऐसा नहीं है। अपने भूमिका के अनुसार हमेशा, अब ऐसा नहीं समझा किसी को, उन्हीं को कष्ट पाने दो, हमें तो उनके पीछे पीछे लगना है, ये गलत बात है। नहीं समझे कि कोई पीछे पीछे आ गया ऐसे कोई मतलब नहीं। अपनी योग्यता को नहीं छुपाते हुए अपने जीवन काल में यदि अनुवृतों का भी पालन करता है तो आगम में कहा जा रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, 16 सर्ग तक पहुंच सकता है। एक सम्यक व्यक्ति भी 16 सर्ग पहुंच जाता है, एक अनुवृत्त भी 16 सर्ग पहुंच जाता है, एक महावृत्ति भी 16 सर्ग पहुंच जाता है, सत्य एक है। तो ये सुख सुविधा जो है ना, ये अब जेल में क्या सुख सुविधा है, जेल में क्या सुख सुविधा, जेल में किसी को एक बार भोजन मिल रहा है, किसी को दो बार भोजन मिल रहा है, और किसी को दो बार में थोड़ी चुपड़ावा मिल रहा है, फिर आखिर तो सब लोग कह दी है। हाँ बहुत ठीक है, कोई नेता बन करके गया है और कोई चोरी करके गया है, कहे तो जेल जेल ही है, क्या बात है। हाँ ठीक है, अब कहने का मतलब आखिर जेल में है यही कहा जाएगा ना, तो लेकिन से कोई मतलब नहीं, ये भेद मत करो, आखिर वो जेल ही है, इसमें क्या बात है, नाम भेद है। अच्छा जोई अविंद नान महू तो जाए जैसे वो कह कारण अनवर हो दो परमा पौधे योगी बिंद है योगींद्र और ब्रह्म योगियों में भी जो इंद्र श्रेष्ठ हैं योगीराज और उनके समूह के द्वारा जो ज्ञान में परमात्म तत्व हमेशा ध्येय है वो ध्यान में आ सकता आता है तो जो कि मोक्ष का कारण है। ओकारम बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। बस ओंकार के लिए बार बार नमस्कार हो। जो योगी लोग अनवरत हमेशा हमेशा जिसका ध्यान लगाते हैं वह ध्यान ओंकार का ध्यान क्या करता है, कामदम मोक्ष दं चैव, क्या चाहते हो वह मिल जाता है, मोक्ष मिलता है और मोक्ष निश्चित है। तुम कुछ भी नहीं चाहोगे तो मोक्ष तो निश्चित ही है, मोक्ष जब तक न मिले कुछ चाहोगे तो भी मिल जाएगा वो भी, और मोक्ष तो निश्चित है क्योंकि दृष्टि में यदि मोक्ष आ गया और मोक्ष के लिए वह ध्यान किया जा रहा है, तप के द्वारा स्वर्ग कई बार प्राप्त हुए किंतु एक बार ध्यान करके स्वर्ग प्राप्त करो वह स्वर्ग संसार के लिए कारण नहीं होगा, वह निश्चित रूप से मनुष्य जीवन में आकर के डायरेक्ट लगा देगा। क्या करें, गाड़ी छूट गई तो छूट गई कोई बात नहीं, एक ऐसी भी गाड़ी आती है 2-3 स्टेशन और ले रुकनी पड़ती है, जाती तो उधर ही है, वो ठीक है। कुछ ऐसी भी गाड़ी होती है स्टेशन बदलने पड़ते हैं, लेकिन अपने को नहीं बदलना पड़ता, वो स्वयं गाड़ी बदल जाती है। नहीं समझे, कहे यहाँ का यहाँ टिकट ले लो आप और मद्रास तक पहुंच जाओ, लेकिन उत्कल नहीं है, मान लो नहीं है, तमिलनाडु नहीं मिली, नहीं सही, लेकिन आपको बॉम्बे ले जाए, बॉम्बे में वहां पर डिब्बा मिलेगा, आपको ठगल करके वहां से टच कर दिया जाएगा, उधर के उधर कर जाएगा और बिल्कुल आपको मद्रास में ही उतर जाएगा, लेकिन थोड़े रुकती रुकती चली जाती है, कितना अब लेट हो गए तो क्या करें, लेट हो गया अंधेरा है, ठीक है अंधेरा, आज तो अंधेरा होता ही नहीं, लाइट बिजली सब व्यवस्थित रहती है वहां पर, कुछ लोग भीतर आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, कुछ कभी उठना भी पड़ता है कभी बैठना भी पड़ता है, ये कोई बात नहीं, जितनी गलती की उतना तो परिणाम तो मिलता ही है, लेकिन ध्यान रखिए कि उद्देश्य जैसा हमारा बना है उस और दिशा हो जाए, दृष्टि हो जाए तो बस निश्चित रूप से मिलेगा, संतोष रखो है? आप अपने मन से पूछ लो
दूसरे को मत पूछो, जितने जितने उठते हैं उतने तो उठने दीजिए, कोई बात नहीं, मुख्य रूप से पूछ लीजिए, निश्चित बता देगा मन, नहीं समझे, मुख भले ही नहीं बता देगा लेकिन मन बता देगा, एक बिल्कुल एक सेकंड नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूं, हे मन तू तब क्यों कर रहा, बस अपने आप बता देगा, बस इतने, अब इतना ही तो है, आपको केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना रहे हो आपने को जानना है ही नहीं, क्योंकि हम केवल ज्ञान है ही नहीं, सीधी सीधी बात, जितना बताए उतने करना अपने को, उसमें ईमानदारी के साथ करना, और अपने लिए है वो, दूसरे के लिए नहीं है, दूसरे का देखना ही नहीं, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय हमारी दृष्टि में नहीं आ सकता, अपना निर्णय किसके लिए, क्या निर्णय लिया इसमें भी हम कुछ नहीं कहते, आपने क्या निर्णय लिया किसके लिए, वाय क्यों और किसके लिए, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शनम, अब सुनो व्याख्या की है, तत्वेशु श्रद्धानं तत्वार्थ, तत्वार्थेषु श्रद्धानं तत्वार्थ श्रद्धानं, तत्वार्थानां श्रद्धानं तत्वार्थ श्रद्धानं, और तत्वार्थाय श्रद्धानं तत्वार्थ श्रद्धानं, तत्वार्थ के लिए मोक्ष के लिए यदि श्रद्धान किया मुक्ति मिल जाएगी, दस तत्व के ऊपर भी श्रद्धान कर ले तो चल जाएगा, क्योंकि जितना बताया गया उतना है, आठ भी कर लो तो चल जाएगा, क्यों मुक्ति के लिए है बस, आनो नहीं जानो नहीं चेटो जन परमाणु, क्या बोलते हैं आप लोग, आनो पाणो चेटो जन परमाणु परमाणु कछनो नहीं जानो, ठीक क्या जाना, अपने पास जानने का साधन भी है ही क्या, बस देखो स्वयं का निर्णय, हम तो स्वयं का निर्णय यही आप पूछना चाहते हैं कि क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, बस ये पूछ लो, वहां पर अपने आप आवाज आ जाएगी, कहां कितना प्रतिशत ये भी आ जाए सामने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कौन सा फिर नहीं, सब ठीक, कर्म कर्म देखो कर्म क्षय के लिए किया जाता है, हाँ देव गुरु शास्त्र वीतरागी देव गुरु शास्त्र को पकड़ लिया, उनमें उनमें सुन लो, उनमें कहीं थोड़ी कमी भी हो हम उनके पास कुछ जान जान, वीर स्वामी यही कहते हैं वीतरागी हो बस, कितने भी चिंतित कह रहे हैं यहां पर, दाल भात रोटी भी रख करके आप चिंतन करो वीतरागी है तो चल जाएगा, निश्चित निश्चित बात है, इसमें कोई एकदम किंच भी चिंतन तो कह रहे, उन्हें शर्त नहीं रखी, शर्त रखी थे वीतरागी पंचिंद्र के विषय थे न कषाय थे न, इतनी चिंता आपको क्यों है दूसरे की आप देखो हम तो बिल्कुल यही तो बात हो रही है कि वो रखने दीजिए कोई बात नहीं, आप अपने लिए पूर्ण रूप से कम कर दीजिए ना कि तुम्हारे क्या देह है, देवगुरु शास्त्र देवगुरु शास्त्र, और किसी को पकड़ो नहीं, बड़े बाबा ठीक बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना, रात दिन तो मैं यही कह रहा हूं, बैठ जाओ कैसे बैठ जाओ, मैं जैसे बैठा मेरे पास जो है उसी प्रकार तुम्हारे पास होना चाहिए, हो जाएगा बड़े बाबू तुम भी बड़े बड़े निश्चित बात है, विश्वास हो तो, यदि वहां पर जा रहे हैं और फिर भी नहीं है इसका अर्थ यह है कि आप कुछ और चाहते हैं, मान दो मिनट नहीं लगते अपने स्वयं के निर्णय के बारे में, 200 ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सुख दो प्रकार के हैं, इसलिए आचार्यों ने यह कहा कि जो आत्मा का हित चाहता है वही मुमुक्षु है और उसी के लिए कुछ उपदेश देखने में आ सकता है, उपदेश भी क्या दे, अपने आत्मा का हित चाह रहा है जो आप बताएंगे वो मान लेगा, हाँ कोई बात नहीं, हम आपके आपके निर्णय नहीं होने के कारण हमारे लिए कोई चिंता नहीं, हाँ
विकल्प का मतलब, विकल्प का मतलब उपयोग में का ध्यान थोड़ी था, उपयोग में है देखना जाना आसान सवाल, चिंतन करने के लिए हमारे आचरण में मना किया है, ये तो बात है। दिमाग देखो, धारा बहना अलग है, धारा बहना अलग है और धारा को बांधना अलग है, बहने दीजिए उसका स्वभाव है, इसलिए कह रहे ना जन किंचन चिंतन तो कुछ भी आ रहा आने दीजिए, लेकिन निरीक्षण पहले आपका उद्देश्य हम देखना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये नहीं, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो आपने प्रश्न किया, प्रश्न का आपका उद्देश्य क्या, कहीं कहीं चार तो नहीं बजाना ये मतलब तो आप दो तीन चार पांच बार प्रश्न करेंगे तो चार बज जाएगा, अगर दो गाथा अभी होनी के लिए। अब योगेंद्र देव ही शुद्धात वीतराग निर्विकल समाधि रही, ज्ञानमय है केवल ज्ञान निर्वृत्त यह कर्मतापन्न जायते धियो धे रूपो भी, किमर्थम जायते मोक्ष कारणे, मोक्ष के लिए दो योगेंद्रियों के द्वारा शुद्धात्म जो कि वीतराग निर्विकल समाधि में रत हैं उनके द्वारा ज्ञानमय केवल ज्ञान निर्वृत्त, केवल ज्ञान की तरह जो बना हुआ है वह जो कि ध्यान में उतर करके आता है तो निश्चित रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि मोक्ष के लिए ही वह कर रहा है। कैसा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसीलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं। अब इनमें से कौन है ठीक है ये आपको देखना है, ये तो कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि उसको मना कौन कर सकता है, ठीक है, भीड़े बहुत अच्छी बात। हाँ नहीं, इसमें वो सही माना नहीं, वह मना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, मैं ही अच्छा हूं ऐसा कभी भी कहता नहीं है वह, और दुकानदार सही वही माना जाता है ईमानदार जो दूसरे की दुकान की आलोचना नहीं करता है, और अपनी दुकान को वह इससे बढ़कर के कहीं दुकान है ही नहीं ऐसा नहीं कहता। देखो सही बात है, उसको वो ये कहता भैया अपने यहां इस प्रकार का भाव है, तुम कहां जाना हम वहां पर जाना चाहते, कोई बात नहीं इधर आए क्यों आप, ऐसे भी नहीं कहेंगे हम, जिस समय आपको इच्छा होगी आ जाइए, कोई बात वहां से खरीदते, इसलिए हमें कोई मना नहीं है, हमारे कोई निषेध नहीं है, हम ये सोचते हैं कि मैं क्या कह सकता हूं, उसके निर्णय लेने वाला वह स्वयं है। तो हम ये कह रहे हैं आप क्या धारणा बनाना चाहते हो उस दुकानदार के बारे में, जो आप धारणा बनाओ उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कितना बनाना चाहो। इंद्रभूति कहते थे, ये तो इंद्रभूति कहते थे उस समय में, महावीर भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं गौतम तुझे आज नहीं कल आएगा समझ में, वो कहा भी नहीं उन्होंने आगे।